हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ अपने फोन का इस्तेमाल करके कैसे पता करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर में सब्सक्राइब के नाम से बटन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको कोई एंड्रॉयड फोन की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई सिंपल फोन है तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फोन में डायल कीजिए *99*99#। ओके, ये नंबर डायल करने के बाद आप कॉल के बटन को दबा दीजिए। अब देखिए, आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, एक तो आधार लिंकिंग स्टेटस और दूसरा है PMJDY अकाउंट ओवरड्राफ्ट स्टेटस। ओके, तो हमें अपना आधार लिंकिंग स्टेटस चेक करना है, तो आप यहाँ पे एक डायल कीजिए। ओके, और उसके बाद सेंड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए। ओके, जो कि 12 डिजिट का होता है। तो चलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आप सेंड पे क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आपको आपका आधार नंबर कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो एक बार आप अपना आधार नंबर दोबारा चेक कर लीजिए। यदि आपने सही डाला है तो यहाँ पे आप एक दबाइए, और यदि आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे दो दबाइए। तो मैंने अपने आधार नंबर सही डाला तो मैं यहाँ पे एक दबाऊंगा और उसके बाद सेंड पे क्लिक करूंगा। अब देखिए, यदि आपका आधार नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको कुछ इस तरह से मैसेज शो करेगा, आपके आधार नंबर, उसके बाद जिस बैंक से आपका आधार कार्ड लिंक है उस बैंक का नाम और लास्ट अपडेट कब हुआ था, वो नीचे उसकी डेट आपको शो करेगा। ओके, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है कि आपका आधार कार्ड यदि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपको ये मैसेज शो करेगा। अब चलिए मैं आपको एक ऐसा आधार नंबर लगा के दिखाता हूँ जो कि किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो यदि आपका आधार कार्ड किसी बैंक से लिंक नहीं है तो आपको कैसा मैसेज शो करेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, और साथ साथ मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आप अपना आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें। ओके, तो अपने फोन में डायल कीजिए *99*99#। ओके, उसके बाद इस नंबर पे कॉल कीजिए। ओके, उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे एक दबाइए और सेंड कर दीजिए। अब यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दीजिए, उसके बाद सेंड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद अपना आधार नंबर कंफर्म करने के लिए दोबारा से एक दबाइए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, ये आधार नंबर किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो इन्होंने मैसेज दिखा दिया है कि आपने जो आधार नंबर डाला है वो किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो यदि आपका आधार नंबर किसी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको इस तरह से मैसेज शो करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल से अपना आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किसी बैंक से लिंक है या फिर नहीं है। ओके, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक पे नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।